छिंदवाड़ा में अदानी पावर प्लांट के खिलाफ संघर्ष चला और 1987 में जमीन एक्वायर की। 27 साल तक किसान उस जमीन के कब्जे में रहे, सरकार ने उस जमीन का कब्जा नहीं लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2010 में वो अदानी को वो जमीन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने बेच दी। किसानों से 3,000 से 10,000 रुपए एकड़ का मुआवजा दिया था और उसको 13 लाख रुपए एकड़ में बेचने का काम किया। तो पहले तो ये जो सौदा है ये अवैध है। जो अवैध पारित हुआ था वो 3 उद्देश्यों को लेकर हुआ था, एक थर्मल पावर बनाएंगे, दूसरा कॉलोनी बनाएंगे और तीसरा जो राख गिरेगी उसको राख को इकट्ठा करने के लिए करेंगे। इस 3 के अलावा चौथी चीज़ के लिए अवैध पारित नहीं हुआ था। तो इन्होंने जो जमीन बेची वो जमीन अवैध है, वो अधिकार सरकार को नहीं है। हम 2010 से भी देखें तो आज 2019 हो गया, अदानी थर्मल पावर की एक भी ईंट नहीं रखाई है। तो वो जो नया भूअर्जन अधिनियम है जिसको पारित कराने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने जो कानून बनाया है उसका पालन कराएं। और जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अदानी पावर प्लांट में अवार्ड पारित होने के 5 साल के अंदर अगर परियोजना पूरी नहीं होती तो किसान की ज़मीन किसान को वापस की जाए। इसमें अवार्ड पारित हुए 30 साल हो गया और 30 साल में भी अगर वो प्लांट नहीं बना है तो कमलनाथ जी की ये जिम्मेदारी है कि वो किसानों की ज़मीन किसानों को वापस करें, ताकि प्रदेश में और भी जगह ये संदेश जाए कि कांग्रेस की सरकार किसान के पक्ष में काम कर रही है। तो अगले 7 महीने में हुआ क्या जब इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद कमलनाथ जी ने कहा कि हम थर्मल पावर बनवाएंगे। जब सरप्लस में बिजली है, जितनी बिजली की खपत है उससे दुगनी बिजली है, तो थर्मल पावर बनाकर इस पर्यावरण को बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है और छिंदवाड़ा को आपके गोले में रखने की क्या ज़रूरत है? आज गर्मी हम देख रहे हैं, हम पानी की स्थिति देख रहे हैं। जहाँ थर्मल पावर बने हैं जहाँ वहाँ का पानी प्रदूषित हो चुका है, तो वो बांध का पूरा पानी प्रदूषित होगा जिससे जानवर मरेंगे और खेती में भी वह पानी नुकसानदायक होगा और गांव के लोग जिस पानी को पिएंगे वो भी लोगों की मौत का कारण होगा। तो ऐसे काम चुनी हुई सरकारों को नहीं करना चाहिए, नंबर एक। दूसरा, छिंदवाड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पर लोगों के जो दावे रिजेक्ट हुए हैं उन पर भी सुनवाई करने का काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये दावे क्यों रिजेक्ट हुए हैं, वो कौन से वकील को रख रहे हैं। ये पारदर्शिता छिंदवाड़ा के क्या मध्य प्रदेश की जनता के सामने मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में एक छतरपुर करके जगह है जहाँ पर हीरे की खदानें हैं, जो लोग अभी तक वो हीरे की खदान चल रही थी। कमलनाथ जी ने कहा वो अदानी और अंबानी उसको लेने के इच्छुक हैं, तो जो काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है वही काम अदानी और अंबानी को सपोर्ट करने का काम कमलनाथ जी की सरकार कर रही है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं।